हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की महत्वपूर्ण धाराएं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं उनको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। अब जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 का है वो हमें बताती है प्रस्ताव के बारे में, और जो धारा 2 खा है वो बताती है स्वीकृति और वचन के बारे में। धारा 2 घा हमें बताती है प्रतिफल के बारे में, एक करार में जो लेन देन होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब धारा 2 डा हमें बताती है करार के बारे में, और फिर धारा 2 झा वो बताती है शून्य करणी संविधा, वो संविधा जो किसी टाइम पे एक पक्षकार की तरफ से शून्य हो जाती है उसे शून्य करणी संविधा कहते हैं। और धारा 2 जे हमें बताती है शून्य संविधा क्या होती है, मतलब वो संविधा जो शुरुआत से ही शून्य होती है उसे शून्य संविधा कहते हैं। इसके बाद धारा 10 हमें बताती है वैध करार के बारे में, धारा 13 बताती है सहमति के बारे में, और धारा 14 हमें बताती है स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट, और धारा 15 हमें बताती है परपीड़न कोअर्जन, और धारा 16 अनुचित प्रभाव एंडू इन्फ्लुएंस, और धारा 17 हमें बताती है कपट के बारे में, धारा 18 बताती है मिथ्या व्यवदेशन, और धारा 20 तथ्य की भूल, धारा 21 विधि की भूल, धारा 23 बताती है विधि पूर्ण प्रतिफल। अब ये विधि पूर्ण प्रतिफल, अब इसके बाद जो धारा 25 है वो हमें बताती है बिना प्रतिफल के करार शून्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 90% एग्जाम में ये प्रश्न ज़रूर आता है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, ज़्यादातर लॉन्ग में आता है। और इसके बाद धारा 27 है व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले करार, ये शॉर्ट में आता है। और इसके बाद धारा 30 हमें बताती है बाजी संविधा, फिर धारा 31 से 36 हमें बताती है आकस्मिक आश्रित संविधा, धारा 55 हमें बताती है समय संविधा का सार, धारा 62 संविधा का नवीनीकरण, और धारा 68 से 72 संविधा कल्प यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जितनी भी सेक्शंस हैं ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी आंसर राइटिंग में सेक्शन का यानी कि किसी भी धारा का 25% रोल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।